अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनस व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल का जमा हुआ हलवा। आधा किलो चने की दाल ली, उसको मैंने बॉईल करके पीस लिया है। दो कटोरी चीनी ली है, एक प्याली घी लिया है और बादाम पिस्ता लिया है मैंने और पिसी हुई इलायची। पहले पैन में घी शामिल करेंगे और घी जो है मैं अभी आधा शामिल कर रही हूँ और आधा जो है जब भुनाई करेंगे तब शामिल करेंगे। थोड़ा सा घी जो है हमारा मेल्ट हो जाए तो फिर उसके बाद हम इलायची पाउडर शामिल करेंगे। मेल्ट हो गया है, अब मैं इसमें इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चने की दाल जो हमने पीसी है वो शामिल कर रही हूँ। घी में शामिल कर दिया है मैंने तमाम चने की दाल को और इस तरह से इसको दबा दबा के सबको मिक्स कर लूँगी। जो गुठलियाँ बनी हुई है ना ये सब, इनको इस तरह से दबा के मिक्स कर लूँगी। चलिए मिक्स करके फिर दिखाती हूँ। तमाम घी देखिए इसके अंदर दाल में एब्जॉर्ब हो गया है और चने की दाल के हलवे में घी ज़्यादा शामिल होता है, तो अब जो घी हमने बचाया था वो इसमें शामिल कर रहे हैं। और फिर थोड़ा सा और बचा लिया है मैंने, थोड़ा सा इसके घी में भून कर फिर जब ये बिल्कुल जब्ज हो जाएगा तो दोबारा से घी डाल के फिर भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी घी डाल के उतना ही अच्छा जो है हमारे चने की दाल का हलवा तैयार होता है। चलिए फिर मैं इसको जो है भूनती हूँ और जैसे जैसे भूनता चला जाएगा मैं आपको बताऊँगी। और तकरीबन जो है इसकी भुनाई में 15 मिनट तो लाजमी लगेंगे मुस्तकिल भूनने पर। जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा ना, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा और घी जो है वो इसमें अच्छे से शामिल हो जाएगा और हमारे पैन को छोड़ देगा ये, तो फिर उसके बाद ये बिल्कुल तैयारी पर होगा। 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए और अब जो है मैं इसमें चीनी शामिल करूंगी और चीनी सारी शामिल करके इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी और भुनाई करती रहूंगी। पहले ये वाली प्याली जो है इसकी चीनी को सबको मिक्स कर लेती हूँ, फिर दूसरी प्याली का चीनी शामिल करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब हम दूसरी प्याली की चीनी जो है वो भी शामिल कर देंगे इसमें। पहली प्याली की चीनी को अच्छे से मिक्स करके भुनाई कर ली है हमने और अब जो है इस प्याली का भी चीनी को हम अच्छे से मिक्स करके और जो है इसको भूनते रहेंगे। और कलर भी देखें अब हल्का हल्का सा गोल्डन सा हो गया है, इसको अच्छे से भूनेंगे। तमाम चीनी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और तकरीबन अभी भी जो है इसमें भुनाई में 5 से 6 मिनट और लगेंगे। घी था जो बचाया हुआ वो घी भी मैंने इसमें सारा शामिल कर दिया है और अब इसकी और थोड़ी सी भुनाई करूँगी 5 मिनट के करीब, फिर उसके बाद जो है इसको जमाऊँगी। देखिए हलवा हमारा अच्छा सा भुन गया है, जाला आने लगा है। इस तरह जाल आने लगे तो समझ जाइए भुनाई हो गई है हलवे की बहुत अच्छी सी। और देखें पैन भी छोड़ दिया है, पैन में चिपक नहीं रहा है बिल्कुल भी। अब इसका फ्लेम मैं बंद करके और फिर इसको जमाऊँगी। अब मैं इसको ट्रे में शामिल कर रही हूँ। बटर पेपर लगा के घी लगा दिया था ताकि चिपके नहीं। अब इसको सेट कर लूँगी। इस तरह से इसको सेट कर लिया है मैंने अच्छे से इस तरह। और अब जो है मैं इसमें बादाम और पिस्ता शामिल कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें काजू खोपरा वगैरह ये सब भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से इसमें बादाम पिस्ता जो है वो गार्निश कर दें। पिस्ता शामिल कर रही हूँ और बड़ा अच्छा मज़ेदार बनता है। सारी बात जो होती है वो सारी भुनाई की होती है, चाहे कोई सा भी हलवा हो, सूजी का गीला हलवा है जमा हुआ है, मगर अच्छी भुनाई होगी तो बहुत अच्छा मज़ेदार टेस्ट टी जो है हमारा हलवे जो है जितने भी जो भी बनाए वो बहुत अच्छे बनते हैं। अब देखिए माशाल्लाह से ये जो है इसमें बादाम पिस्ता शामिल कर दिया। अब इसी चमचे से इसको थोड़ा थोड़ा मैं प्रेस कर दूँगी ताकि ये इसके साथ अटैच हो जाए। और अच्छे से इसको प्रेस करने के बाद इसको भी मैं हवा में रख दूंगी। तकरीबन इसको मैं 1.5 से 2 घंटा रखूंगी, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी जब इसके पीसेस करूंगी। मज़ेदार सा चने की दाल का जमा हुआ हलवा तैयार है और मैंने इसकी पीस जो है वो निकाल ली हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे तैयार हुआ है ये देखिए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी।
और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।